अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसे हम कुछ आदमी बताते हैं कि बीबी से 6 महीने से ज्यादा दिन नहीं दूर रहना चाहिए, क्या जैसे अगर हम 6 महीने से ज्यादा दूर रहते हैं, जैसे हम बाहर हैं, सऊदी में अभी आए हैं, तो जी क्या हम गुनहगार होंगे? कुछ इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि कोई शौहर अपनी बीवी से कितने दिनों तक दूर रह सकता है। देखिए, अगर आपकी बीवी इस बात से राजी है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है कि आप उससे दूर रहें, तो जितने दिन वो राजी है, आप दोनों के दरमियान जो भी इत्तेफाक है, उतने दिन आप दूर रह सकते हैं। उसकी कोई पाबंदी और कोई हदबंदी नहीं है कि कितने दिन आप दूर रह सकते हैं, बशर्ते कि आपकी बीवी इस पर राजी हो, क्योंकि ये बीवी का हक है। आपका उसके पास रहना ये बीवी का हक है। अगर वो अपने हक को छोड़ दे रही है और राजी है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप जितने दिन चाहें दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर वो राजी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 महीने, या एक कौल के मुताबिक 6 महीने, जैसा कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का असर है इस सिलसिले में। इससे पहले भी इसका जिक्र गालबन आ चुका है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, यानी गोया कि 6 महीने तक बीवी को यह हक नहीं है कि वो अपने शौहर को मजबूर करे कि नहीं आप चले आइए। 6 महीने तक वो रह सकता है, उसके बाद बीवी कह सकती है कि अब आपको आना होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर वो राजी है तो वो रह सकता है जितनी जितने दिन चाहे उतने दिन। के लिए शेख, वो हजरत उमर और हजरत हफ्सा का जो कॉल है वो सही कॉल है वो नजर असर आता है। है, जाहिर है वो मरफू हदीस नहीं है, उमर जी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कजा है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से सहाबी का कौल टकराए नहीं, खास तौर से खुलफाए राशिदीन का, तो वो हुज्जत है हमारी शरीयत के अंदर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन की भी इत्तबा करने का हुक्म दिया है। तो उस असल में सिलसिले में बाद चूंकि जी जी उस सिलसिले में असल में बाद अहले इल्म का कलाम पढ़ा था शेख, के हजरत हफ्सा से हजरत उमर ने हाँ क्यों पूछा। उसमें जो कलाम है कि हजरत उमर की बीवियां थी, उसके बावजूद हजरत हफ्सा की तरफ पूछा नहीं, गया। देखिए देखिए हो सकता है इस नादी नाहिये से उस पर कलाम हो, बाज उलमा का मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये कलाम कि उनसे क्यों पूछा, ये एतराज नहीं बनता है, क्योंकि इस्नाद के ऊपर कलाम करते हुए एक एतराज ये भी किया है शेख उन्होंने। हाँ, तो बहरहाल ये एतराज बहुत ज्यादा माकूल नहीं है, क्योंकि हफ्सा जी रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है। तो कोई जब शरई मसला है तो अपनी बीवियों से ज्यादा जो है वो इस बात की मुस्तहिक है कि उनसे पूछा जाए अगर कि वो बेटी हैं, तो ये एतराज तो बहरहाल नहीं बनता है। हाँ, हो सकता है बाज उलमा ने इसनादी एतबार से इस पर कलाम किया हो, लेकिन इसको बेशतर फुकहा ने इससे इस्तदलाल किया है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ, या हो सकता है सारे लोगों के यहाँ काबिले हुज्जत हो इसकी इसनादी हैसियत। जी, जजाकल्लाहु खैर शेख।